नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे कार्यक्रम में। और आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ अज्ञात वीरों की, और उन अज्ञात वीरों के बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आदि अचिंत जी। आपका स्वागत है आदि जी जयपुर डायलॉग्स के स्टूडियो में। और आप कृपया हमें ये बताएं कि ये जो दाऊद मारा गया है, हो सकता है आपके पास कोई और समाचार हो, लेकिन मैं तो कंफर्म हूँ कि अगला जो है वो चला गया है। अब केवल यही डिस्कशन हो रहा है कि भाई वो हूरों के पास जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि उसके लिए पूरी इस्लामिक थियोलॉजी है, उसका हम डिस्कशन कर रहे हैं कि उसको अभी रोका हुआ है जन्नत के दरवाजे पे, कि भाई इसको अंदर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे। वो क्लेम कर रहा है मुझे 720 हूर चाहिए, और कुछ और लोग हैं वो कह रहे हैं नहीं नहीं इसको जहन्नुम में जाना चाहिए। वो बात छोड़ दीजिए, लेकिन ये जो अज्ञात वीर हैं उन्होंने भोला खां को भी मार दिया आज, उसके पहले वो 22 लोगों को और मार चुके हैं, ये है कौन? नमस्कार सर, जय हिंद जय भारत। पहले तो आपके स्टूडियो में बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये है कौन तो बड़ा अच्छा सवाल है, लेकिन उससे पहले आपने दो तीन चीज़ बोली, उसके बारे में मैं कमेंट देना चाहूँगा। हूरों की थोड़ी शॉर्ट सप्लाई चल रही है, तो क्या हो रहा है ना, ऊपर से एक व्हाट्सएप टाइप आया था कि यार अभी ठहर जाओ, मत करो, ये बहुत शॉर्ट सप्लाई चल रही है, बहुत ज़्यादा भेज रहे हो तुम ऊपर। और 22 नहीं है सर, 32 है, मेरे पास एक एक्सेल शीट है, मैं आपको शेयर कर दूंगा। ओके, मैं 2021 से एक्सेल शीट मेंटेन कर रहा हूँ। जरूर करें, तो वो मैं आपको दे दूंगा, उसको मैं जयपुर डायलॉग्स के पोर्टल पे डालूंगा। हाँ जी, तो मेरे एक सब्सक्राइबर भी हैं, उन्होंने बड़ी काइंडली पूरा टाइम ऑफ डेथ, प्लेस ऑफ डेथ, रीजन ऑफ डेथ, रिमार्क्स, सब कुछ बना के ना है। सर दाऊद इब्राहिम ऐसा है, देखिए इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, क्योंकि इसको अभी जो रूमर चला है कि वो तो गया, चलिए मान लेते हैं गया। इसका सबसे इंटरेस्टिंग सी कहानी क्या है, क्योंकि ये वैसे भी यूज़लेस हो रखा था थोड़ा, यू नो 2017 में कार्डियक अरेस्ट हो गया था, कोविड के बाद मल्टीपल ऑर्गन फेलियर, थोड़ा साइड हो रहा था। तो एप्लीकेशन ऊपर दे रखी थी उसने, 720 जैसे आप बोल रहे हो, जो मर्जी है वो ऊपर दे रखी थी उसने। लेकिन इसमें एक चीज़ जो हमारे अज्ञात जो गनमैन, अननोन गनमैन, जिसको अभी अननोन शेफ बन गया बाय द वे, क्योंकि वो ठीक है, इसलिए मैंने उनका नाम अज्ञात वीर कर दिया। चलो अज्ञात वीर, वो जो है वो गनमैन को भी कवर कर लेता है, शेफ को भी कवर कर लेता है, और कई बार तो मैंने देखा है इस तरह के भी जो है वो सिर्फ आंखों से ही मार देते हैं। अब वो मल्टीपर्पज़ है सर, तो उसको ना क्या बोलते हैं, वो होटेलर भी था, और काफ़ी लोग बोलेंगे होटेलर बोल रहा है मतलब अपने ऊपर डाल रहा हो, क्योंकि लोग मेरे को वैसे ही बोल रहे हैं यार आदि तुम ट्रैवल कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो? दो तीन दिन से मैं जब कर रहा था वह ग्रीन बैकग्राउंड था, तो लोग भी बोल रहे हैं यार ये ग्रीन बैकग्राउंड तो पाकिस्तान में होता है, तो आप कहाँ हो जरा बताना। तो मैं वो हाँ मैं तो मैं ही हूँ, मैं ही ताश पे गया था, मैं अभी वापस आ गया हूँ। तो अब मेरा कवर स्टोरी है कि मैं जयपुर में आया हूँ, ठीक है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, लेकिन मैं इसके बारे में दो तीन चीज़ बोलना है सर, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का हेड आपने उतारा है, ये पहली बारी है दैट द मेन गाय हैज़ बीन टेकन आउट। आपने मतलब साजिद मीर को आप मेन गाय नहीं मानते? सर साजिद मीर मेन गाय था, बट इतना हाई अप नहीं था वो, ही वॉज एन ऑपरेशनल मेन गाय। एक डिफरेंस होता है ना सर ऑपरेशनल मेन गाय और CEO में, राइट? जो अब वो बोलते हैं ना ओनर ऑफ द कंपनी है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, एकदम बड़ा बंदा है, या फिर वो ऑपरेशंस वाला बंदा है। आप मानेंगे लखवी जाएगा तब मानेंगे। हाँ, जब ऊपर वाला बंदा जाता है तब मजा आता है, क्योंकि इसके अंदर दो तीन चीज दिखती है कि अभी तक आप सेकंड एंड थर्ड वाले को मार रहे थे, ठीक है, सेकंड वाले को मारा, थर्ड वाले को मारा, फोर्थ वाले को मारा, आप बेसिकली ऊपर वाले के नीचे से सीढ़ी काट रहे थे। तो अब इतना हो गया है कि जो भी ये प्लान बना है, जो भी अननोन गनमैन है, उसने ये इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि यार नीचे वाली सीढ़ियाँ काफ़ी खत्म हो गई है, अब टाइम है ऊपर मारने का। और आपके ही पॉडकास्ट में मैंने बोला था सर, जब भी अमेरिका हमारे ऊपर उंगली उठाता है, USCIRF की रिपोर्ट कल ही आई, उसके बाद दो तीन जाते हैं, ठीक है, उसके 24 से 72 घंटे के बीच में दो तीन जाते हैं, दो तो हो गए हैं सर, ठीक है। अब मेरे यहाँ से जाते हुए कोई और जाने के टाइम पे कुछ और हो जाए, तो फिर अब फ्लाइट किस तरफ जाती है मुझे पता नहीं ना सर, पायलट ले जाता कहीं पे भी। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सा एक फिनोमेना है कि जब भी आपके ऊपर एक उंगली उठती है कि आप ये कर रहे हो, टक करके कोई ना कोई जाता है, और इस बारी तो बहुत बड़ा आदमी गया है। एक बार एक काम और भी होता है, वो TTP वाले कभी मियां वाली कर देते हैं, कभी डेरा इस्माइल खान कर देते हैं, ठीक है, कुछ कर देते हैं, और उनके भी करीब 600-700 जा चुके हैं। तो इट्स नॉट अ आर्मी वाले जा चुके हैं सीधे सीधे,
उनको तो हम अननोन में गिन ही नहीं रहे, वो तो नोन है। नोन है सर। अभी अननोन गनमैन का एक जो फिनोमेना है सर, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो दो तरह से देखते हैं सर, या तो हम कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स लुक एट दैट, एंड या हम नहीं कर रहे, कोई और कर रहा है। हमारा कहीं पे नॉलेज बेस है, हमने लिस्ट दी हुई है, उसको पहले पकड़ते हैं। मैं हमेशा बोलता हूँ कोई एक देखिए, अगर पाकिस्तान को सीधा बंदा बनना है तो वो एक ही तरह से बन सकता है कि ही हैज़ टू कम क्लोज टू यू, बाकी तो और कोई करेगा नहीं। अब वो नहीं चाहिए हमको, वो थोड़ा दूरी रहे तो बेटर है, बट आप उसकी तरफ से देखिए, अगर उसको सीधा होना है तो ही हैज़ टू, उसको आपके साथ अलाइनमेंट करनी पड़ेगी, कहीं ना कहीं उसको आपके साथ बात करनी पड़ेगी। नवाज शरीफ सबसे पहले आके मैं ट्रेड खोल दूंगा, दो प्राइम मिनिस्टर आए थे मेरे को मिलके गए, ये नहीं बोला पाकिस्तान में आके गए, वो मेरे को मिलने आए थे। एंड इफ यू लुक एट इट, वाजपेयी साहब नवाज शरीफ के साथ ही था, एंड मोदी साहब जब गए थे तो उसकी ग्रैंड डॉटर की शादी में गए थे, तो उसको मिलने गए थे। लेकिन ये जो अननोन गनमैन का फिनोमेनन बन रहा है सर, इसके एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर हम जैसे हम बोलते हैं ना किसी और ने करा है, अगर किसी को ये पाकिस्तान और भारत की रिलेशनशिप ठीक करनी है तो भारत के लिए क्या रहेगा यार, इतने सारे आपने ये पाखंडी, ये जो बंदर इकट्ठे कर रखे हैं, इनको पहले हटाओ फिर बात करेंगे, नहीं तो भागो यहाँ से, वी डोंट अग्री विद यू। तो ये तो या तो आपकी लिस्ट पे काम हो रही है कहीं ना कहीं, कि आपने यूएस को दी, यूएस ने पाकिस्तान को आके दी कि भाई इसको करो यार, उसके बाद उसके रिव्यू के लिए वहाँ पर भी बुलाया हुआ था उसको कि भाई कितने हो गए, वो भारत की लिस्ट पूरी नहीं हुई यार, वो पीछे पड़ा हुआ मेरे, बता कितने हो गए। तो आसिम मुनीर, रदीम अंजुम दोनों को वहाँ पर बुलाया हुआ था। विक्टोरिया नूलैंड सर जिससे मिलती है ना, वो गड़बड़ है ना, उसका अलग कॉन्टेशन भी है कि वो हमारे अगेंस्ट भी इलेक्शन में गेम खेल सकते हैं, ये वो ऑल दैट इज़ देयर। तो अगर आप नहीं कर रहे, कोई और आपके लिए कर रहा है, तो ये एक सिचुएशन है। दूसरा, अगर आप कर रहे हैं तो बड़ा ही अमेजिंग है सर, क्योंकि देखिए सर, गाज़ा में मार के अननोन गनमैन गायब हो जाता है, जहाँ पर बोलते हैं ना ओपन एयर प्रिजन है, मैरिट तो वही है ना भाई, इसराइलीज ने ओपन एयर प्रिजन बना रखा है, बट वहाँ पर भी हमारा जाता है, ठोक के गायब हो जाता है। इटली में गायब हो जाता है, अमेरिका में लाइन पे लाइन लगी हुई है वहाँ पर कि यार ये तो स्टेट डिपार्टमेंट बेचारा लिख लिख के परेशान हो रखा है। पाकिस्तान में तो सर हर दूसरे तीसरे दिन कोई ना कोई गायब हो जाता है। दो इंसिडेंट्स हो चुके हैं विच इज़ पॉइजनिंग, इनडायरेक्ट किलिंग, साजिद मीर है 26/11। आज सुबह मैं एक डॉक्यूमेंट्री देख रहा था जिसके अंदर साजिद मीर की आवाज़ थी जब वो 26/11 वालों से बात कर रहा था, तो मेरे दिमाग में आया कि ये वही है, देखो इसको पॉइजन करके मार दिया, वो भी दो दिन के बाद गया। तो इसकी भी दाऊद इब्राहिम के मेरे हिसाब से दो दिन के बाद खबर आएगी, ऑफिशियली नहीं आएगी बट ये गया। देखो भैया, उसके साथ तो दूसरी भी प्रॉब्लम है ना, अगर कहेंगे कि मर गया तो इसका मतलब वो वहाँ था जी, तो पकड़े जाओगे। कहेंगे नहीं मरा तो भी तुमको कैसे पता, तो ये फंस गए। दूसरा, अगर आप कर रहे हो, दैट मीन्स अगर आपने इतना बड़ा ज़बरदस्त नेटवर्क बना रखा है इन मल्टीपल कंट्रीज की, आपको एक तो इनपुट आ रही है, दूसरा आउटपुट भी हो रहा है आपका, सो यू गॉट अ नेटवर्क सेटअप। अब वो नेटवर्क सेटअप हुआ है कि नहीं हुआ था सर, वो तो दोवल साहब ही बता सकते हैं, मैं तो बता नहीं सकता। बट अगर आप 2017 की रिपोर्ट्स देखें, USCIA ने जो रिपोर्ट्स डाली थी, उन्होंने कॉशन अप किया है कि साहब भारत के कुछ रॉ के ऑपरेटिव्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, और उस टाइम में भी थोड़ा सा ना चीज़ें उछली थी कि यार ये क्या हो रहा है यहाँ पर। तो ठीक है, ओके, अगर आप मुझसे पूछें कि आदि यार आपको करना तो आप कैसे करोगे, मैं अपने बंदे क्यों भेजूं वहां पर, मैं ऑब्जर्व करूंगा यार उसका इससे झगड़ा है, देखता हूं कितना टाइम चलता है, झगड़े में थोड़ा सा तेल डालो, थोड़ा आग डालो, थोड़ा ये करो, थोड़ा वो करो, एंड मेक श्योर इट हैपेंस। दैट वुड बी द ईजीएस्ट वे, सबसे आसान तरीका होगा ये करने का, कि उनके आपस में चीजों को सीधा करिए आप। 1 करोड़ अफगानी है वहां पे इस वक्त जिनको ये बाहर निकालने की बात कर रहे हैं, अभी तो उन अफगानियों को तो भाई उनको तो आदत है ह्यूमन बॉम्ब बनने की, अब पता नहीं कोई ह्यूमन बॉम्ब बन के किसी को उड़ा दे, कोई भरोसा नहीं है, क्या भरोसा है। दूसरा सर, एक पाकिस्तान में से आवाज नहीं आ रही, इतने लोग गायब हो रहे हैं, कोई नहीं बोलता। पहली बार पाकिस्तानियों ने मुंह खोला था अपना वॉज आफ्टर ये जो ये एक रिपोर्ट निकली थी फाइनेंशियल टाइम्स के अंदर अबाउट दिस निखिल गुप्ता, उसके बाद पाकिस्तानियों ने जाके मुंह खोला कि देखो हमारे यहाँ पे भी मार रहे हैं लोग। लखबीर सिंह रोडे की उसने ली, बोला देखो ये हो रहा है, उसके बाद एक वो पाकिस्तानी है इंटरसेप्ट मैगजीन, अब इंटरसेप्ट मैगजीन की इतनी हालत खराब है, $5-5 डोनेशन मांगते हैं, आप उसका वेबसाइट खोलो तो $5 डोनेशन मांगता है, वो अलग चीज़ है,
लेकिन सारे दुनिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लीक पेपर उसके पास ही आते हैं। तो या तो कुछ मेरे मेरे अंडरस्टैंडिंग में गड़बड़ है, या इंटरसेप्ट इतनी बड़ी चीज़ है कि मेरे को पता नहीं क्या हो रहा है। CIA का फ्रंट है और तो क्या है सर, CIA का तो क्या बोलूं, उसको पैसे दिए हैं पेरी ओमदियार ने और दूसरा दिया है सैम बैंकमैन फ्रीड ने। अब ये पेरी ओमदियार तो आपको पता है अभी डब्बा बंद करके जा रहा है यहाँ से। हाँ ये भी बड़ी खबर है साहब कि ओमदियार साहब ने अपना डब्बा बंद कर दिया पूरा, उसके पहले सोरोस साहब बंद कर चुके हैं। ठीक है वो तो मैं हमने बात करी हुई है, डीप स्टेट वो जो लेफ्टिस्ट कबाल है उसकी नींवें खराब हो रही हैं तो वो बंद करेंगे अभी धीरे धीरे करके। दूसरा आप देख रहे हैं, दूसरा उसका इन्वेस्टर कौन है, सैम बैंकमैन फ्रीड FTX का मालिक, $10 बिलियन यूक्रेन में से उसने लॉन्ड्री में घुमा दिया, जो आज जो बाइडन फंसा हुआ उस चक्कर में। ठीक है इसके बारे में, और जो बाइडन का डायरेक्ट कनेक्शन कोई निकालता नहीं है बट दैट इज द केस, बोलते हैं ना 10% फॉर द बिग मैन फॉर द बिग बॉस है ना। और इस भाई को 115 साल सजा हुई है, 115 years is what he's standing. उसको ये मालिक हैं इस इंटरसेप्ट मैगजीन के। लिखता कौन है, मुर्तजा हसन, वही पाकिस्तानी। उसमें एक ये प्रोटेस्ट टाइप आया था पाकिस्तानियों का कि देखो यार हमारे साथ भी ये ना बहुत गलत काम कर रहे हैं, ये सारे भारतीय हैं ये चारों तरफ से। अगर कोई इस चीज़ को विश्वास करता है तो उसको एक चीज़ समझ में आनी चाहिए कि भारत का नेटवर्क इतना ज़बरदस्त है कि भाई तुम जहाँ मर्जी अपना हाथ हटाओ हम तुम्हारा हाथ काट देंगे। द न्यू मोसाद। अब गलती तो मोसाद से भी हुई थी, भारी गलती हुई। ठीक है कनेडियन को एक मार दिया था, एक उसको वहां मार दिया था, उसको किसी नेदरलैंड्स में एक को मार दिया था, वो बेचारा वेटर था। तो ये गलतियां उनसे भी हुई हैं, गलती अगर आप कर रहे हो तो गलती हमसे भी होगी है, कोई इतना बड़ा वो नहीं है। और ये क्लैंडेस्टाइन ऑपरेशंस तो होते हैं सर, इसमें कुछ नहीं। अभी स्पेन ने 2 CIA के बंदों को निकाल दिया, तो मैंने उसमें एक ट्वीट डाला था, मैं बोला यार थोड़ा कुत्ता टॉमी साडा कुत्ता कुत्ता। तो ये क्या बात हुई यार। आप बड़े जो उल्टे काम करो वो ठीक है, हम करें तो प्रॉब्लम है आपको। आई एम मोर बॉदर्ड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ इट, कि आप कैसे बोल सकते हो हाउ आर यू डूइंग इट, हाउ पूछने की क्या जरूरत है। आपको होना चाहिए यार मत करो यार हमारे देश में आके, ठीक है एक्सेप्टेबल, बट इन प्रिंसिपल अगर आप ऐसी बात करोगे हाउ आर यू डूइंग इट मतलब क्या है। शास्त्री जी को किसने मारा था, जियाउल हक को किसने मारा था, परिंदे आके अननोन गनमैन आके मार के गए थे, हो सकता है। ठीक है और CIA की जो अभी डिक्लासिफाइड रिपोर्ट्स आ रही हैं, 83 में इनको पता था इंदिरा गांधी के ऊपर अटैक होगा, 83 में सर, ब्लू स्टार से पहले कैसे पता भाई आपको ये उड़ने वाली है, इन्होंने ही किया होगा। एग्जैक्टली तो इनके काम है पुराने। ठीक है तो मैं तो बोलता ही हूँ मोदी साहब को थोड़ा ध्यान से रहना चाहिए बिकॉज बदमाश हैं, बट मोदी साहब ना लिखा के आए हैं, वो चुना बड़ा मुश्किल है। और उनको ये भी पता है अगर मोदी को कुछ हो गया ना तो 1.5 बिलियन लोग वहाँ पर चढ़ जाएंगे आके कि भाई तुमने करा है ये, एंड ख़त्म हो जाएगी कहानी। द प्रॉब्लम विच आई सी विद दिस होल थिंग इज, एक ये जो नैरेटिव चल रहा है ना सर, कभी कोई बोलता है भाई उसकी बीवी ने मार दिया, कभी कोई बोलता है उसके भाई ने मार दिया, कभी कोई बोलता है ये मार दिया। ओ यार फल खाओ ना, पेड़ क्यों गिनते हो, आम खाओ मीठा है तो बढ़िया है, हमारे तो आम मीठे आ रहे हैं। अब जो मार रहा है मारने दो यार, उसको क्या फर्क पड़ता है, उस पर इतनी अटेंशन डाल के हम उसके काम को खराब करेंगे। मेरे हिसाब से उसके लिए एक दिया जलाना चाहिए, हाथ जोड़ने चाहिए, ऊपर वाले से बोलना चाहिए कि साहब थोड़ा उसको लंबी उम्र दो, हाथ थोड़े और लंबे करो उसके, ये हमारा होना चाहिए। ये बताएं आप कि ये जो US ने जो शुरू किया है नाटक एक टेररिस्ट गुरपतवंत सिंह पन्नू को लेके, वैसे एक बात और भी है, इस वक्त पाकिस्तान में इंटरनेट बंद है, YouTube बंद है, WhatsApp बंद है, सब कुछ बंद है, और उसके बाद भी जो है वो पाकिस्तान के जो यूट्यूबर्स हैं वो आराम से चल रहे हैं। VPN चलाते हैं सर, VPN चलाते हैं कि ISI नेटवर्क चलाते हैं, वो मुझे नहीं पता। पता नहीं सबके VPN कैसे चलता है, मैं समझ में नहीं आता, इतना तगड़ा VPN है कि जो पकड़ भी नहीं आता किसी के। तो वो वहाँ से खबरें भी आ रही हैं और सब कुछ हो रहा है, और उधर US जो है वो परेशान है कि तुमने गुरपतवंत सिंह पन्नू को कैसे टच कर लिया, इनका एजेंट है क्या वो? ऑब्वियसली है सर। सर अगर आप कनाडा का इंसिडेंट देखिए,
कनाडा का इंसिडेंट में निज्जर तो बड़ा खुले में बोलता था कि साहब मेरे को तो हर हफ्ते मिलने आते हैं इंटेलिजेंस वाले, उसका बेटे ने क्या नाम उसका, बलजीत बलप्रीत क्या नाम था उसका, ऐसे कुछ था, उसने तो बोला कि जी इसको पिछले हफ्ते ही बोल के गए तेरे को मारने वाले हैं लोग। तो अगर निज्जर और पन्नू एक ही हैं, तो अगर निज्जर वहां पर एजेंट है तो पन्नू क्यों नहीं है? एंड दैट्स अ वेरी सिंपल थिंग। ये तो हमारे लोगों ने बोला ना कि भाई पन्नू को तो हम इसलिए नहीं टच करते हैं कि हमें पता ही है CIA का एजेंट है। जी तो उसके मुंह पे बोला था हमारे होम मिनिस्टर ने कि साहब हम तो नहीं छेड़ रहे इसको, बट ठीक है। अब आप मुझे ये बता दीजिए सर, डिप्टी NSA आता है, FBI का चीफ आता है, आते हैं पूरी तलवार लेके, जाते हैं सिर्फ वो जो स्कैबर होता है ना पकड़ने वाला, ऊपर से तलवार कटी होती है, क्यों क्या हो गया? ऑब्वियसली उनका केस वीक है ना। यहाँ पर एक स्टेटमेंट वापस जाके तो स्टेटमेंट दे दे, भाई मैं भारत को वार्न करके आया हूँ, मैं डंडा मार के आया हूँ, वो भी नहीं बोलते। वॉट इज द केस? कहीं कुछ हो रहा है सर जो हमको पब्लिक में नहीं पता चल रहा, समथिंग इज हैपनिंग एट द बैक, एंड उससे एक पब्लिक नैरेटिव बनता है। ब्लिंकन के लेवल तक आके, एंटनी ब्लिंकन के लेवल तक आके एक छोटा सा स्टेटमेंट आता है, ओपनली कोई कुछ बोलने को राजी नहीं है। तो इन दोनों चीजों को अगर आप देखिए, अगर हम नहीं कर रहे, हमने लिस्ट दी हुई है, तो हमने अगर लिस्ट दी हो तो ये उसके लिस्ट का पार्ट होगा ना फिर, तो कहीं ना कहीं दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं सर, समथिंग इज हैपनिंग जो हमको नहीं समझ में आ रहा है। थिंग्स आर नॉट मैचिंग, थिंग्स पॉइंट टूवर्ड्स द फैक्टर कि आप ही कर रहे हो, क्योंकि अगर वो लिस्ट आपने दे रखी है, लिस्ट में पन्नू का नाम है, पन्नू को उड़ाते हैं तो फिर रो क्यों रहे हो? निज्जर का नाम है उसके अंदर, निज्जर को उड़ा रहे हैं तो रो क्यों रहे हो उसको? इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो जो आप बोलते हैं ना सर्कमस्टेंशियल एविडेंस, उसके हिसाब से तो आपका कुछ कहीं ना कहीं हाथ दिखता है। मैं ये नहीं बोल रहा सब आप कर रहे हो, बट यू नेवर नो, क्या बोल सकते हो सर ऐसी चीजें में, यू कांट मेक आउट। लास्टली, एक जो दुनिया का एक जो लेफ्टिस्ट स्ट्रक्चर है, जिस तरह से वो वीकन हो रहा है सर, आप यू कैन ऑल्सो सी कि वो भी इन चीजों को थोड़ा सा अपने से ना दूर रखना चाहते हैं, बिकॉज दे नो यार ये अगर पकड़े गए और ये राइजिंग पावर है, इसने अगर हमारे अगेंस्ट में ज्यादा प्रोपेगेंडा करना शुरू किया, नाक कट जाएगी दुनिया में हमारी। सो आपके ऊपर हर जगह से वो USCIRF का प्रेशर डालेंगे, बोलेंगे अच्छा आपका जेट इंजन है, 2 महीने के बाद देंगे आपको। हमारा हंगर इंडेक्स खराब हो जाएगा, हंगर इंडेक्स खराब, हमारा डेमोक्रेसी इंडेक्स खराब हो जाएगा, हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स खराब हो जाएगा, हम तो बहुत ही बिल्कुल गए बीते हो जाएंगे, लेकिन हमारी इकोनॉमी तो फिर भी 8% से ग्रो कर रही है, दैट इज देयर, जबकि सारे के सारे डाउन है। दैट टेल्स यू कि वो नर्वस है कि यार ये करें क्या इसके साथ, जो पहले बढ़ता था उसको एटलीस्ट हमारे पे कोई कंट्रोल होता है, ये तो भाई कुछ किसी सुनता ही नहीं है यार, ये क्या है, ये व्हाट काइंड ऑफ अ कंट्री इज दिस? इसको बोला हम तेरा ये बंद करते हैं, वहां से लोगों की आवाज आती, कर दे बंद यार ये क्या हो रहा है? हाँ जी, हमने अपने चैनल में डायलॉग में ये डिस्कस किया हुआ है कि द बेस्ट थिंग वुड बी कि US कोई सैंक्शन लगा दे हमारे ऊपर। मैं तो सर प्रोपोनेंट हूं, मैं तो खुले में बोलता हूँ प्लीज सैंक्शन, किधर साइन करना है, मैं करता हूँ आके, मोदी साहब मेरे को जरा सिग्नेचर का अथॉरिटी दे दो, मैं जाके साइन करता हूँ, ये लो जी खत्म। एंड आई एम बीइंग अ वेरी हार्ड लाइन पर्सन बाय सेइंग दिस, क्योंकि सर अगर हम सैंक्शन हो गए ना, F-35 का बाप निकलेगा यहाँ से 6-7 साल में। आपको भी पता है जब करने को आती है ना, भारत में इतनी कैपेसिटी है, वैक्सीन PPE मास्क ये वो सब कर लिया ना हमने, ये कौन से खेत की मूली है यार जो नहीं कर पा। ओ जी जेट इंजन बड़ा है, वो बड़ा डिफिकल्ट, 6 महीने में वैक्सीन बनाना बड़ा इजी है, इतने सारे दिखते नहीं है, उनको मिला के आपने वैक्सीन बना दी। भाई अभी तक एक नैरेटिव ये चल रहा था ना कि भाई भारत जो है वो ड्रोन नहीं बना पा रहा है, वो तो वो प्रोटोटाइप उड़ा रहे हैं स्टेल्थ ड्रोन का, ठीक है कल घातक उड़ा दिया आपने, उसमें जेट इंजन लगा हुआ है और उड़ता है घूम फिर के वापस आराम से, लैंडिंग परफेक्टली फाइन, किसी को पता ही नहीं है ये है क्या चीज, किसके लिए यूज हो रहा है, हाँ जी हमने उड़ा दिया। मैं इंटरनेट ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गया कि ये है क्या चीज़, घातक चीज़ क्या है, व्हाट आर यू यूजिंग इट फॉर, कहीं कुछ नहीं लिखा हुआ, नो वन नोज। नहीं जी वो हाई स्पीड री एंट्री व्हीकल, इससे चांस नहीं है, दिस इज बेसिकली वो जो एक मैन फाइटर होगा उसके साथ अनमैन्ड फाइटर्स जाएंगे, ये वो है। अच्छा इसका जो प्रोटोटाइप है वो तो बड़े छोटे साइज का दिखता है,
अब ऑब्वियसली जो आएगा वो तो इससे बड़ा ही होगा, बड़ा होगा, यू नेवर नो, सेम साइज का होगा, क्या क्या होगा, क्या होगा, नो अलग अलग साइज का होगा। कल चार एरियल टारगेट्स को एक चीज ने हिट करा है सेम टाइम पे, फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड एनीबडी हैज डन इट। और आप वो कोई S-400, S-450, S-500 कुछ नहीं है, वो आपका सिस्टम है, DRDO का आकाश सिस्टम ने चार टारगेट्स को एक साथ हिट किया है। डिफेंस उसके सर्कल्स में देखिए, लोग परेशान हो के यार ये क्या किया है लोगों ने। सो कैपेसिटी है सर, हम लोग लेजी हैं और कुछ नहीं, हम लोग ना यार कर लेंगे बाद में, सैंक्शन लग जाए तो फिर हम एकदम से चौकन्ने हो जाते हैं। अच्छा अब तो करना ही पड़ेगा, अब तो करना पड़ेगा, करते हैं अब तो सीधे। तो मैं तो बोलता हूँ करो यार तुमको, बिकॉज द डे US सैंक्शंस इंडिया, दैट इज द लास्ट डे US विल कॉल इटसेल्फ अ सुपर पावर। वो तो रशिया को सैंक्शन करके वैसे भी काफी देख, कुछ देख चुके हैं, देख लो, रशिया इज ग्रोइंग सर एक्सपोनेंशियली, इकोनॉमिकली इट इज ग्रोइंग, मिलिटरली इट इज ग्रोइंग, इन ग्लोबल इन्फ्लुएंस इट इज ग्रोइंग। रशिया ने आपको आंखें दिखाने की कोशिश करी थी, बोला था भाई मेरे को युआन दे दे, आपने घुमा दिया पूरा गेम उसके साथ। आपको पता है सर एक पाइपलाइन बना रहे हैं, अभी वो ओमान के आए थे ना, एक पाइपलाइन बन रही है विच इज अंडर द प्रोजेक्ट ऑफ सेज। पाइपलाइन बन रही है कहाँ से, ईरान से UAE के अंदर जाएगी वो, ठीक है। अभी वो ईरान UAE का थोड़ा झगड़ा है तो बोलते हैं, ईरानियंस बोलते हैं हम डायरेक्टली ले आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो पाइपलाइन बन रही है, वो UAE का और इन चीज़ों का तेल जाएगा ओमान में, पोर्ट दुकुम से एक पाइपलाइन निकलेगी सीधे इंडिया, मुंद्रा पोर्ट, कहाँ पर, मुंद्रा अडानी, ठीक है। ये दो तीन दो पाइपलाइंस आ रही हैं अभी तो तो रशियन बोलते भाई ये क्या है, नहीं 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 ठहर जा ठहर जा, आज सुबह खबर है सर, पहले हम $4 देते थे, अब आपको $10 दे देंगे डिस्काउंट, कोई बात नहीं। क्या हो गया, व्हाट हैपेंड? आप तो बोल रहे थे मेरे पास $4 बिलियन रुपी के पड़े हुए हैं, मेरे पास कुछ नहीं है करने को, मैं क्या करूं, ये वो टूटना करके गया था, ठीक है। आपने गेम थोड़ी बदली, कहते नहीं नहीं जी आप एक काम करो, हमको ना 27 शिप चाहिए बना दो। समवेयर डाउन द लाइन सर एक चीज जो हमको समझ में आई है भारत को, हमारे जो लोगों को है, कि लेवरेज हुक बनाना सीखो। अमेरिकन से आपने बात करी इंजन के बारे में, उसके दो दिन के बाद आप जाके फ्रेंच के साथ बैठे हुए जी साफरन इंजन दे दो हमको, अमेरिकन दे दो, यार ये क्या है, मैं से तो लेके गया ये। दिस इज द प्रॉब्लम दैट दे आर फेसिंग टूडे, कंट्रोल नहीं कर पा रहे आपको वो, एंड दे आर एंग्री अबाउट इट। चाइना को कंट्रोल कर सकता है सर वो, चाइना की बत्ती बंद कर रखी है इस टाइम पे उसने। चाइना तो पूरी तरह से एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है ना, ठीक है, मिडल ईस्ट वाले बात नहीं करते चाइना से, बात वो गए वहां पर स्टेटमेंट स्टूटमेंट दिया के खत्म। रशिया अपने यूज का बात करता है वो उसके साथ, कई लोग बोलते हैं रशिया इज चाइनाज एम्पायर, द अदर वे अराउंड। अगर रशिया अपनी वहां, मुझे एक चीज बता दीजिए सर, इतना तेल ले रहा है चाइना, रशिया पाइपलाइन क्यों नहीं बनाता चाइना के अंदर? पाइपलाइन उसके चाइना के बॉर्डर तक है, उसके बाद वो टैंकर में भरता है और 3,000 किलोमीटर अंदर जाता है चाइना के, इट्स स्टिल द सेम, ही डजंट वांट टू मेक अ पाइपलाइन। लेकिन आपके साथ बोलता है यार मैं तजिकिस्तान से एक पाइपलाइन खींच देता हूं आपके लिए, कहां से आएगा हिमालय के अंदर मुझे ये नहीं पता, बट कहता मैं खींच दूंगा, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के थ्रू खींचेगा क्या? That tells you POK का कुछ गेम चल रहा है, क्योंकि that is the only way that the pipeline can come inside. And कई लोग तो इतना भी बोलते हैं कि अगर कल आपने POK कुछ करा, चाइनीज नहीं बोलेंगे कुछ भी। आप रिएक्शन देख लो सर 370 का, पहले कहते हैं 370 हो गया, अच्छा आई रिक्वेस्ट इंडिया एंड पाकिस्तान टू हैंडल दिस bilaterally एंड पीसफुली। तीन दिन के बाद याद आया किसी ने बोला बेवकूफ 370 ऑल्सो लद्दाख है, नहीं नहीं वी डोंट एक्सेप्ट इट। तीन दिन के बाद तो चलिए अब ये बताइए, हम तो इसके ऊपर खास तौर से जो हम बात दाऊद पे आते हैं वापस, दाऊद वाले हाँ, वापस आते हैं, वापस आते हैं, तो दाऊद के बाद किसका नंबर? सर मेरे हिसाब से तो जाना चाहिए हफीज सईद, तब आएगा मजा, तब मैं बोलूंगा यार हाफिज सईद से पहले लखवी जाएगा। हाँ वो उस लेवल का कोई, आई वॉन्ट दैट लेवल ऑफ उनकी, मेरे को शक्ल देखनी है, आई वॉन्ट टू सी दैट, दीवार निकली हुई बाहर, आई वॉन्ट टू सी दैट। मसूद अजहर का तो पता ही नहीं है वो जिंदा है कि मरा हुआ है, कई लोग बोलते हैं सर उसको तो अफगानों ने मार दिया था, कई लोग बोलते हैं आई कांट, कई लोग कहते हैं वो बालाकोट में ही मारा गया था,
हाँ वो है, कई लोग बोलते हैं इनका इसका बालाकोट के बाद से वो दिखा नहीं, नहीं। उसके साल हो गए उसको। हकानी के साथ भी झगड़ा था उसका, ठीक है, और हकानी इस टाइम पे बड़ा स्ट्रांग है, सिराजुद्दीन जो है वो बहुत स्ट्रांग है, वो पाकिस्तानियों की नाक में दम कर रखा है उसने। वो फजलुर रहमान गया उनसे बात करने के लिए, कहता मेरे को $400 मिलियन दो पहले बात करने के लिए, वापस आ गया टॉकिंग फी $400 मिलियन वापस आ गया। एंड इट सीम्स उसको पूछा गया क्यों चाहिए, कहता अमेरिकन देते हैं मेरे को इतना, $60 मिलियन एक हफ्ते का जाता है ना उसको, पता है आपको, अमेरिकन देते हैं एवरी वीक प्रोटेक्शन मनी। हाँ, तभी तो अमेरिका के अगेंस्ट में एक डायलॉग नहीं निकलता तालिबान के मुंह से। तो मेरे को चाहिए सर ये बड़े वाले बंदे, कोई जैसे ये अभी दाऊद का अगर गया है, दिस इज सेटिस्फाइंग। एंड दिस ऑल्सो टेल्स यू एक और चीज कि जो लोअर रैंकिंग रैंक इन फाइल है, दे नॉट एबल टू प्रोटेक्ट द लीडर नाउ। देखिए एक सर्कल होते हैं ना इनके आसपास, सिक्योरिटी सर्कल्स, आप उसमें से घुस के अगर इस लीडर को तोड़ोगे, रैंक इन फाइल बोलेगा यार मेरे बेबी बच्चे हैं भाई, इसके बाद तो पैसे मैं क्या करूं, क्योंकि आइडियोलॉजी की तो सर वो जिहादी को बेचने के लिए आइडियोलॉजी होती है। आपको क्या लगता है दाऊद इब्राहिम एंड हफीज सईद रेडिकलाइज ने? बिल्कुल रेडिकलाइज नहीं है वो, दे मेक यूज उसका तो भाई पब्लिक को ब्रेन वॉश करने के लिए उसका यूज होता है ना। वो बिल्कुल रेडिकलाइज नहीं है, उनके लिए पैसे हैं सर, उसका बेटा कहाँ है? वो तो उसी तरह की बात हुई ना आपके कश्मीर में, जो हुरियत वाले जितने भी थे उनके सबके बेटी बेटे जो थे वो वेल प्लेस थे। हाँ, कोई मलेशिया में था, तो कोई रेडिकलाइजेशन में था। रेडिकलाइजेशन एक पप्पू की तरह किसी को गोली खिलाने की बात है, और जो हम लोग लड़ते हैं ना रेडिकलाइजेशन से, वी आर फाइटिंग द सिम्टम्स, वी आर नॉट फाइटिंग द डिजीज, द डिजीज इज द मनी, ये सब पैसे की मुमाया है और कुछ नहीं है। आप इनको जाके बोलो तेरे को 400 मिलते मैं 500 देता हूँ, चुप हो जा गल से, चुप हो जाएगा वो। दे वॉन्ट मनी सर, ये सब पैसे वाले लोग हैं। हफीज सईद के घर के बाहर जब बॉम्ब फटा था तो आपको याद है सर, एक वो जो खालिस्तानी मारा था परमजीत सिंह पंजवार, अपने घर के बाहर मारा था उसको, घर के बाहर मारा था। तो ऐसी शक्ल दिखनी चाहिए हफीज सईद और इसकी, तब जरा थोड़ा मजा आएगा। एक को मारा था ना याद है वो, क्या मॉस्क में वो नमाज पढ़ने गया था, बेचारा नीचे झुका, ऊपर ही नहीं उठा उसका। हाँ, अबू कासिम नाम था उसका। उसी पोजिशन में था वो, वैसे तो कश्मीरी था लेकिन उसने अपना नाम अबू कासिम, वो योगा पोजिशन में था, सूर्य नमस्कार कर रहा था उसका, वहीं पर ही नमस्कार कर दिया। तो ऐसा कुछ दिखे तो तब थोड़ा मजा आए, विच विल बी इम्पैक्टफुल, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जाते हैं ना सर, हाँ हम खुश हो रहे हैं ठीक है, बट ओवरऑल इम्पैक्ट सीढ़ी कट रही है, बट ऊपर वाले जब तक गिरेंगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। लेकिन दाऊद जाने का एक चक्कर है, दैट मीन्स उसकी सीढ़ी पूरी तरह से कट चुकी है। पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पर इसका क्या असर पड़ रहा है? सर ये चीज़ बड़ी डेंजरस है, क्योंकि आप अगर देखिए पाकिस्तानी जो ISI थी सर, इसका पैसा कहाँ से आता है? अफीम की खेती से जी। अब वो अफीम तो बंद कर रखी है, तालिबानियों ने बंद कर दी। अब वो भी, और इसको लेके असली झगड़ा तो उसी का है कि भाई वो भी किसने कराई है सर तालिबानियों से, पता है आपको? तालिबानियों को आपने बड़ा क्लियरली बोला हुआ है, देखो भाई ऐसा है, खाना चाहिए, दवाई चाहिए, सामान चाहिए, बंद करो ये। बोलते ठीक है, 50,000 टन आप भेजते हो उनको। मेरे पास एक लेडी हैं जो मेरे को काफ़ी मैसेज करती हैं वहाँ से, लेडी बाय द वे, ठीक है, हेरात में रहती हैं वो, नाम नहीं लूँगा मैं उनका, काफ़ी मेरे को मेल वेल करती हैं, इंग्लिश बोलती हैं बड़ी भाई नॉर्मल पर्सन, मेरे चैट में भी आती हैं लाइव में, बट वो भी यही बोलती हैं कि सब आपके बारे में तो कोई बात ही नहीं करता, आपके तो सिर्फ बात होती है मेड इन इंडिया खाना है, Nobody talks anything about you. ये साहब भारत नहीं, 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 गाली सिर्फ पाकिस्तान को होती है। तो आपने भी इनको बोला हुआ है, देखो यार तुमको चाहिए ना, वी विल हेल्प यू, हम तुमको रिकनाइज वेकनाइज नहीं करेंगे, तुम जब तक बंदे नहीं बनोगे तब तक रिकनाइज नहीं करेंगे। बंदे बनने के लिए भी आपने उनको एक चीज़ बोला हुआ है, लड़कियों को वापस स्कूल में भेजो और ये बुरका शुरका उतारो, तुम्हारा ये नहीं है, ठीक है तुमको कंजर्वेटिव रहना है कंजर्वेटिव रहो, लेकिन ये जो सारा टाइम ये जो पोस्ट कार्ड लेटर बॉक्स बना के घुमाते लोगों को, ये बंद करो, ये दिस इज नॉट योर कल्चर, एंड दे आर अग्रीइंग टू यू, आप दिख रहे हैं, आपको आपकी तरफ एक कोई टेढ़ा स्टेटमेंट नहीं आता, कोई काफिर नहीं आता, कोई कुफिर नहीं आता, कुछ नहीं।
पॉपी उन्होंने बंद कर रखी है। एक्टर देखो सर, उनको क्या पेरिल क्या है पॉपी बंद करने का? पैसे कहाँ से आएंगे उसके पास? जो वो स्मगलिंग करके खाना लेके आता था, इट वॉज ऑल दिस ड्रग मनी ना। पॉपी तो ये भेजते थे पाकिस्तान में, तो रॉ मटेरियल जाता था पाकिस्तान में और पाकिस्तान उसको रिफाइन करके 10 times कमाता था। ठीक है, आपने वो बंद करा रखी है, बल्कि रिफाइनिंग से तो वो उसकी वैल्यू 100 times बढ़ जाती है। अमेरिका ने भी जब ये घुसे थे अंदर 2003-04 में, तो वॉर ऑन ड्रग्स भी बोलते थे ये लोग, बट बाई 2010-12 दे नेवर यूज्ड टू बॉदर, बिकॉज उनको पता है यार अगर हमने ये ड्रग्स बंद कर दिए तो सारे मर जाएंगे ये लोग भूखे। तो आप बोलते ठीक है तुमको भूख लगी है ना, हम खाना देंगे तुमको, वी विल गिव यू फूड, एंड यू सेंडिंग दम इनफ फूड फॉर द कंट्री। और भी जगह से आ रहा है, लेकिन आपका सबसे बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है उसके अंदर। सो पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट को क्या रखा है इस तरफ? ISI? पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट में अब वहाँ डिस्कशन होते हैं, यूट्यूब पे भी डिस्कशन होते हैं कि अरे यार हमने गलती कर दी कि यार ये जो गंदम है वो इधर से नहीं जाने दिया, वो चाबहार से होके जा रहा है। ठीक है, पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट का क्या गेम है सर? उनके पैसे भी इसमें से आते थे, आपने जैसे बताया कि रिफाइन करते थे, ये सब करते थे वहाँ पर। ISI के अगर आपके पैसे ही कट हो रहे हैं तो क्या करेंगे? कंसोलिडेशन करेंगे वो कि भाई तू इधर आ जा, तू कहाँ जा रहा है, इधर इधर, डोंट डू एनीथिंग विदाउट आस्किंग मी, पैसे कम है भाई खर्चे मत कर। तो ये खींच रहे हैं अपने आप को। और जो ISI एक जो रोग एलिमेंट होती थी, जो हमेशा अपने आप करती थी काम, आज वो भी मेन स्ट्रीम में आ रही है। नदी मंजुन को लेके गया सर, कौन सा आर्मी चीफ ISI चीफ को लेके गया पहले? अब हिस्ट्री में भी देख लो आप पहले, और खड़ा हुआ वहां पर सीधा एकदम, तो ऑब्वियसली उसको डंडा पड़ा होगा, वे हीरो जनरल मैं हूं, ठीक है, वो फैज हमीद की देखिए ना कोर्ट जा रहा है, वो भी सीधा हो जा, सर मेरे को एक्सटेंशन दे दो, मैं दे देता हूँ तेरे को एक्सटेंशन, ये ले साइन कर दे 1 साल एक्सटेंशन, हाँ सर आई विल डू इट सर। अब वो एक्सटेंशन के अंदर अपने 3-4 बंगले बंगले बना लेगा, वो अलग चीज़ है, बट दी ISI इज टूडे फेसिंग अ चैलेंज। एंड कहीं ना कहीं सर इनकी इंटरनल प्रॉब्लम अगर आप नोटिस करिए, ISI की जो ग्राउंड वर्कर होते हैं ना सर, वो उस रीजन के होते हैं। पंजाबी बलोचिस्तान में काम नहीं कर सकता, बलोचिस्तान में बलोच ISI बंदा होगा। पठानों को उठा के आपने फेंक दिया बाहर, मैं ये सवाल पूछता हूँ सर, जो पठान रेजिमेंट है उसका क्या हो रहा है? 20% पठान्स, ठीक है, हिंदी पाकिस्तान आर्मी, व्हाट इज हैपनिंग टू दोज पठान्स? क्योंकि आप तो सर सड़क में से जो मिलता है उठा के फेंक देते हो। अब वो एक बंदा है जिसकी बीवी बच्चे को तुमने वहां फेंक दिया या माँ बेटी को वहां फेंक दिया, वो आपसे लॉयल रहेगा? तो मैं ये सवाल पूछ रहा हूँ, ये जो इतने दबड़ टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं, TTP जो सो कॉल्ड मानता है मैंने करे, ये एक्चुअली TTP कर रहा है कि? वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन ना, कि भाई तुम मेरे बीवी बच्चों को फेंकोगे? ठहर जा मैं तुमको दिखाता हूँ फिर। आर योर ओन बिकमिंग योर एनिमीज? दैट इज द बिग क्वेश्चन पाकिस्तान को आज पूछना पड़ेगा अपने आप को, क्योंकि KP तो गया इनके हाथ में, इज गॉन। इनफ रिपोर्ट्स हैं जो पाकिस्तान मीडिया में आई हैं, उनके जो ट्रिब्यून है उसके अंदर, कि वहां पर एक शैडो गवर्नमेंट चल रही है जहां पर TTP पैसे बना रहा है। तो कई लोग पूछते हैं कि यार अगर ड्रग्स खत्म हो गए तो TTP के पास पैसे कहां से आ रहे हैं अटैक करने के लिए? करेक्ट, ऐसे आ रहे हैं, दे हैव क्रिएटेड अ शैडो गवर्नमेंट, ये पैसे बना रहे हैं वहां से, जो भी थोड़ा बहुत पैसे आते हैं वहां से, एंड प्लस उसके बाद सर किडनैपिंग होती है, रैंसम होता है, ये होता है, वो होता है, एंड ड्रग्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप मुझे बताओ सर, क्या TTP और पाकिस्तानी आर्मी का जो झगड़ा है इज अबाउट द लेफ्ट ओवर पॉपी फील्ड्स? हो सकता है, इट इज पॉसिबल लेफ्ट ओवर पॉपी फील्ड्स के ऊपर भी झगड़ा हो सकता है। और दूसरा जो एक चीज जो है, अगर आप जो कल्चर है, आखिरकार पश्तूनों का कल्चर क्या है, उसको बोलते हैं पश्तून वाली, दिवासा साहब ने बड़ी किताब लिखी है इसके ऊपर, पश्तून वाली, ये आप जानते हैं पश्तून वाली का क्या मतलब होता है? पश्तून वाली में जो उनका जो ऑनर कोड है जी, वो सुप्रीम है, और उस ऑनर कोड में ड्यूरेंट लाइन इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो बताइए मेरे को फिर कहाँ पर क्या हो रहा है सर? इट इज अ कंप्लीट केओस। तो मेरे हिसाब से हाँ ठीक है, वो भारत के इलेक्शन के बीच में थोड़ी उंगली करने के लिए USA से कुछ गेम खेलेंगे जरूर, बट वहां से वो भीख मांगने गया कि भाई फायदा तो मोदी को ही होगा।
सर ये इनको इतनी अकल होती तो ये USERF को थोड़ी बनाते, पन्नू को थोड़ी खड़ा करते। अब इनको अकल नहीं है ना सर, तभी तो लेफ्टिस्ट मारे जा रहे हैं। अब आपने ये कह दिया कि भाई भारत जो है वो पन्नू को मारने की कोशिश कर रहा था, तो यहाँ तो भाई मोदी जी सर आप अगर आप हार्वर्ड के प्रेसिडेंट हो, मैं आपको पूछता हूँ इस किलिंग ऑफ जूज ओके, आप क्या बोलोगे? अगर आपके दिमाग में ओके भी है तो आप बोलोगे नहीं नहीं नॉट एट ऑल, नो बोलने में क्या चक्कर है? और आप उसके हंस के बोल रहे नहीं, इट्स अ कॉन्टेक्स्ट तो ये लेफ्ट का ना दिमाग खराब हो गया, दे लॉस्ट देयर माइंड। ऐसे टाइम भी ये इशू उछलवा रहे हैं, अगर अरे समोसा कॉकस ने भारत की निंदा कर दी। अच्छा अब समोसा कॉकस में है कौन? प्रमिला जयपाल रो खन्ना, अमी बेरा, रो खन्ना वही बेवकूफ। अरे यार भाई ये ना सर हमारा, मैं आपको कारगिल के बारे में एक चीज बताता हूँ। वाजपेयी साहब ने एयरफोर्स, दुश्मन हो तो दोस्तों की क्या जरूरत है, वाजपेयी साहब ने एयरफोर्स को बोला था आई नो कंट्रोल क्रॉस नहीं करोगे। कई इसके ऊपर अभी भी डिबेट चलती है कि वो ठीक था कि नहीं था, क्योंकि आप एयरफोर्स वालों को पूछो ना वो बड़े गुस्सा है उस चीज़ से। बोलते हैं यार अगर ये मेरे को माउंटेन को अटैक करना है और वो वैली है, रास्ता दो ही है यार, या मैं इधर से आऊं या इधर से आऊं, जो तीसरा रास्ता आप मेरे को यूज नहीं करने देते बिकॉज वो LOC से दूसरी तरफ से जाता है। तो हमारे जो लॉसेस हुए थे सर एयरक्राफ्ट के, बिकॉज वो सेम जगह से जाते थे, दे न्यू ये आ रहा है यहां से। तो ये वही बात है ना सर, आप वही बंदे फाइनेंशियल टाइम्स USERF, वो यार कोई नया चीज नहीं है आपके पास, वही घसीपटी चीज निकाल के खड़े हो जाते हो। और बाकी तो छोड़ो सर, गवर्नमेंट तो छोड़ो, हमारे जैसे छोटे लोग अपने एक लैपटॉप के ऊपर बैठ के, बिस्तर के ऊपर बैठ के निकाल देते हैं यार, ये देखो ये इनका चिट्ठा पत्र है, सो कॉल्ड इंटरसेप्ट मैगजीन कौन फंडिंग देता है, सब पब्लिक डोमेन। अबे यार उसको तो छुपा लो कम से कम। ओसिंट इज मोर इंपॉर्टेंट दीज डेज और मोर पावरफुल देन। साहब इंटरनेट आप कंट्रोल करते हो ठीक है, ये यूट्यूब पे जो चल रहा है ये सारा आप ही कंट्रोल करते हो, विकिपीडिया आपका है, गूगल आपका है, उसी को यूज करके आपकी टांगे हम तोड़ने हैं, तो फिर कौन बेवकूफ उसमें? भाई कंट्रोल है तो कंट्रोल करो ना यार, कैंसिल कंचर बनाया उसके बाद आपने इलॉन मस्क को ट्विटर लेने दे दिया। तो अंत में क्या हम ये कह सकते हैं कि भाई ये जो अननोन मेन है, दीज आर द न्यू बालाकोट प्रायर टू 2024। सर मैं तो बोलता हूँ उससे बड़ा ही है, The impact is much bigger. आप जो भी कह लो, एक स्ट्राइक और डेली की दो स्ट्राइक्स उसमें कौन मारे गए पता नहीं, यहाँ पता तो सबको पता है कौन मारा, शक्लें दिखती हैं उनकी, साजिद मीर दाऊद इब्राहिम, रोडे पोडे, ये क्या पंजवार, इतने सारे बंदे, कौन कौन से मुल्ला, कोई हैबतुल्ला, कोई 32 लोगों की लिस्ट है, शाहिद नूर और कोई शालोबार और सही में बताऊं सर बशीर पीर, हम भी भूल चुके थे बंदों को बिकॉज ये मारने शुरू हुए तो हाँ ये भी था जिसने भी लिस्ट बनाई उसका स्वागत। और अंत में हमारी भारत सरकार से प्रार्थना है कि कृपया इन अज्ञात वीरों के लिए भारत रत्न दिया जाए। नहीं नहीं सर ऑपरेशनल बंदे, नहीं 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 ऑपरेशनल बंदे, अशोक चक्र पीस टाइम है ना। अच्छा नहीं भारत रत्न की बात कर रहा हूँ, वो थोड़ा सा मैं कोई परमवीर चक्र की बात नहीं, अशोक चक्र आप भारत रत्न, मैं अशोक चक्र, चलो ठीक है आप बीच में डिसाइड कर लो उसके बाद। और इसी के साथ ये चर्चा आज हम यहीं पर विराम देते हैं। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम। जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।